सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है कि मैं जा रहा हूँ ओल्ड दिल्ली। फिलहाल मैं न्यू दिल्ली में हूँ, अपने खाला के घर पर रहने आया था, तो ओल्ड दिल्ली जा रहा हूँ, जामा मस्जिद। आप और साथ ही मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा वहाँ की। तो घूमने जा रहे हैं हम जामा मस्जिद, और वहाँ की और भी चीज़ें दिखाएंगे। रास्ते में रेड फोर्ट भी पड़ेगा, तो मैं उसके भी सीन लूँगा। तो अभी हम चलते हैं और सीधा मैं आपसे मिलता हूँ जामा मस्जिद पे। जब तक के लिए बाय। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी अभी निकले न्यू दिल्ली से, और न्यू दिल्ली में मैं रहता हूँ वजीराबाद। और आगे आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या सीन्स आपको देखने को मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलता है सिग्नेचर ब्रिज, जो ये लंबा सा टावर आपको दिख रहा है, ये सिग्नेचर ब्रिज है। ये नया ब्रिज बना है न्यू दिल्ली में, और रात के टाइम पे ये बहुत अच्छा दिखता है, लाइटिंग शोज होते हैं इस पे। एंड फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सब ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऑटो रिक्शा पसंद है या सऊदी के ऊबर या करीम पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और ये भी बताना कि आपको ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करना अच्छा लगता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली, और ये जितना भी सीन आप देख रहे हैं ये पूरा ओल्ड दिल्ली का है। और आगे आपको रेड फोर्ट भी दिखेगा एंड जामा मस्जिद का भी सीन दिखेगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रेड फोर्ट है, और मैंने ये सिर्फ बाहर से शूट किया है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं अंदर जाके शूट कर पाऊँ, बट जामा मस्जिद का मैंने अंदर से भी किया है। इस ब्लॉग को पूरा अब लास्ट से लेके एंड तक देखें। एंड फ्रेंड्स, इधर देखें, आपको टाइप्स ऑफ ऑटो रिक्शास देखने को मिल सकते हैं, तो आप देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर जामा मस्जिद है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पूरे होटल्स देखने को मिलते हैं, इवन खाने के होटल्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड प्लस रहने के होटल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम इंटर हुए हैं जामा मस्जिद के, और अब हम अंदर भी जाएंगे थोड़ी देर में। और साथ में आपको बता दूं, मैं बाहर रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी चेक की मशीन थी एंड प्लस वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी थे, तो इस वजह से मैं बाहर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, बैक साइड पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इधर टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड प्लस आपको टाइप्स ऑफ होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपको होटल में रहना है तो आप होटल में रह सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, जब भी आप दिल्ली में आते हैं तो इधर आपको बहुत सारा क्राउड देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अंदर आ चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बताऊँ, ये मस्जिद कितनी ब्यूटीफुल मस्जिद दिख रही है अंदर से, कितनी बड़ी मस्जिद है। एंड फ्रेंड्स, देखें कितना रश है इस मस्जिद में, हर वक्त आपको ऐसे ही रश देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ, इतना अच्छा और प्यारा मौसम था, एकदम रेन हो रही थी।
एंड फ्रेंड नीचे अगर आप कहीं पे भी घूमते हैं तो वो बिल्कुल फ्री था, बट अगर आपको ऊपर वो मीनार पे जाना है तो उसके लिए आपको टिकट था, वो मुझे प्राइस पता नहीं है कितने हैं, बट उसके लिए टिकट है और नीचे आप कहीं पे भी घूमोगे तो फ्री है। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जामा मस्जिद पर आया हूँ और बहुत रश है इधर, आप देख सकते हैं, और पीछे जो आपको देख रहे हैं वो मेरे खाला हैं और ये मेरा कजन्स है और ये मम्मी है पीछे। तो बाहर भी मैं सीन बना रहा था पर मैं बना नहीं पाया, इसलिए आपको अंदर से मैं बना के दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं इधर हम वजू करते हैं और ये वजू करने की जगह है। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी आया हूँ जामा मस्जिद से ओल्ड दिल्ली घूम के, और अभी टाइम हो रहा है 12 PM। तो इस ब्लॉग को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें तभी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे करना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यूट्यूब ब्लॉग्स को, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है और बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखा है जो भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँगा तो वो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने जामा मस्जिद घूमा है और रेड फोर्ट देखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी पर मैं बना नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए जो जो सीन मैंने लिए हैं बहुत मुश्किल से लिए हैं। तो आप बस इस ब्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक देखें, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर माई लवली फ्रेंड, बाय बाय।